तो आज हम आपको लेकर आए हैं पटना के फेमस चंपारण मीट हाउस पे। पूरा का पूरा बिहार इनके बनाए हुए मटन का दीवाना है, जो कि यहाँ 500 किलो हर रोज बनाया जाता है। तो चलिए चलते और देखते हैं इसकी मेकिंग और आपको बताते हैं कि भाई ये है कैसा। तो भाई यहाँ कढ़ाई लगा दी गई और इसके अंदर डाला जा रहा है ढेर सारा तेल। तो आप देख सकते हैं इसमें डाला जा रहा है खड़ी लाल मिर्च, तेज पत्ता, काली मिर्च और बाकी सारे खड़े मसाले। तो भाई खड़े मसाले इसमें सारे के सारे डाल रखे थे। और अब जा रहे हैं इसमें 15 से 17 किलो प्याज और साथ ही साथ देख लो भाई इसमें गिन करके जाएगा 28 से 30 चम्मच नमक। तो अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर डाला जा रहा है मुट्ठी भर के सौंफ। तो भाई अब नमक और सौंफ को मिक्स किया जा रहा है भाई प्याज के साथ में। तो भाई 15 से 20 मिनट तक लगातार पकाने का देख सकते हो भाई प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। तो भाई प्याज ने पानी छोड़ चुका है और अब इसके अंदर डाला जा रहा है भाई सारे के सारे मसाले। सबसे पहले देख लो भाई डल गई इसके अंदर ढेर सारी हल्दी। नेक्स्ट इसके अंदर डाला जा रहा है भाई पटना के खाने की जान भाई गोलकी मसाला। नेक्स्ट देख लो भाई जा रहा है इसके अंदर ढेर सारी लाल मिर्च। तो भाई मसाले सारे के सारे मिक्स कर देगा और अब बारी आ चुकी है भाई अपने 15 से 20 किलो मटन जाने की। देख सकते हो इसके अंदर लेग पीस आ रहा है, रान पीस आ रहा है, भाई सब कुछ जाने वाला है भाई इसके अंदर। और अब देख लो भाई फाइनली आ चुका है भाई कलेजी पीस। आप कमेंट में बताओ आपको कलेजी पसंद है कि नहीं। भाई देख लो मटन का पूरा का पूरा हिस्सा डाल चुका है इसके अंदर। तो इसका मतलब सब्जी का जितना रहता है। अच्छा ये देख लो भाई ये इसके अंदर आ गया, चुस्ता कहते हैं भाई इसको। ये देख लो सही ठीक है, इसको भी कर देंगे भाई ग्रेवी के साथ मिक्स। इसमें भी और कुछ भी जाएगा। तो भैया मटन रेडी हो गया अपना, दिखाना जरा एक बार। ओ भाई साहब देख सकते हो गर्मा गर्म जो मटन है ना वो रेडी हो चुका है भाई। ये था वो चुस्के का पीस, सफ़ेद सफ़ेद रंग का कैसा भाई देख लो, कलर देख लो। और जरा एक बार हिला के निकाला, ये क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा बिल जो आखिरी में डाला था ठीक है। और एक बार नीचे से पूरे पीस दिखाना, ये देख लो कितना ही अच्छे तरीके से पक चुका है भाई। जो ग्रेवी है वो पक चुकी है और ये ऊपर जो तेल तेल रहता है वो स्पाइसी रहता है ना, दिखाना वो भी थोड़ा। अच्छा रोगन है वो, बढ़िया। और ये क्या चीज़ थी? ये चर्बी है। अच्छा चर्बी रहती है, बढ़िया। तो भाई अभी मैं चावल के साथ तो नहीं, आपको पूरी 5 प्लेटें सामने भाई मटन लगा के दिखा रहा हूँ भाई, जो चीज़ अपन ने पूरी बढ़िया बनती हुई देखी। ये दोनों कौन से पीस हो गए? ये गुदा वाला होगा, ये हड्डी वाला नल्ली पीस है। अच्छा नल्ली वाला पीस है, इसको ऐसे चूज के खाना पड़ता है ना, बढ़िया। ये देखो भाई और ये आगे साथ में ग्रेवी, क्या बात है। पहले पहले पीस पूरे भर दो फिर आखिरी में सारे में ग्रेवी डाल देना। ये देखिए ये कौन सा पीस हो गया? ये गुदा है। अच्छा साथ ही देख लो भाई ये दो दो पीस करके पूरी की पूरी जो प्लेटें हैं ना पूरी अपनी भरा जाएगी, क्या फिर से ही निकाला था पीस। बस अभी आ गई अपना लास्ट पॉइंट, सही है भाई। 140 रुपीज़ प्राइस आएगा जिसमें आपको दो पीस आ जाएंगे और साथ में ग्रेवी सलाद चावल पूरा फुल प्लेट आ जाएगा। ये आ गई चर्बी, बढ़िया। चर्बी सभी में जाएगी कि जिसको चाहिए? अच्छा सभी में चली जाएगी, क्या ये देख लो भाई अब जा रही है सब में ग्रेवी। और क्वांटिटी देख लो भाई 140 रुपये रेट है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई क्वांटिटी कम हो जाएगी, हो गया पूरा रेडी। तो ये देख लो भाई यहाँ पर जो अपना मटन जो है वो रेडी हो चुका है। मटन का रेट क्या रहेगा? मटन चावल 140 रुपये प्लेट है। 140 रुपये प्लेट। और अगर किसी को एक किलो लेना है तो? 1000 रुपये के जी हांडी है। अच्छा 900 रुपये के जी स्टू नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी जो अपन ने बनवाया वो स्टू था? स्टू है। अच्छा तो आप टाइमिंग बता दीजिए आपके यहाँ का। मेरा टाइमिंग है सुबह मॉर्निंग 9 बजे से शाम 5 बजे तक शॉप खुला रहता है। और लोकेशन? लोकेशन मैंगलेस रोड। अच्छा न्यू सचिवालय हाउस नंबर 12 के पास है, ठीक है। और सातों दिन चालू रहता है? हाँ चलिए ठीक है। ये अपना मटन शू जो है वो रेडी हो चुका है, ज़रूर से विजिट करना और बताना कि आपको ये लगा कैसा। लोकेशन भी बता दिए। अगर आपके वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो फॉलो करना। मिलता हूँ किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो।